नमस्कार। आज हमारे साथ वो महान गायक मौजूद हैं शशि भूषण जी, जिन्होंने पूरा बहुजन समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। और जब भी कोई बहुजन समाज की बात होती है तो वहाँ पे उपस्थित होते हैं, निस्वार्थ निसंकोच तरीके से वहाँ पे अपना कार्य करते हैं और गायकी के माध्यम से उन सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध के लिए बहुत ज्यादा अवेयर करते हैं। शशि भूषण जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, दर्शकों का सभी एक बार मेरी तरफ से फिर जय भीम। शशि जी, अभी मैंने 13 तारीख का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है बहुत बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है और गायकी के लिए उस कार्यक्रम में आपको इनवाइट करा गया है, तो मैं चाहूंगा कि उस कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा बताएं और अपनी तरफ से लोगों को न्योता भी दें, क्योंकि आपके भी आज हजारों लोग चाहने वाले हैं, उनको तो बुलाएं, साथ में गायकी के माध्यम से दो लाइन उन शहीदों के लिए भी जरूर आ पाए। साथियों देखिए, क्रांति प्रतिक्रांति ये इतिहास का एक हिस्सा है और जहाँ क्रांति होती है उसकी प्रतिक्रांति होती है और प्रतिक्रांति की बाद फिर क्रांति होती है। ये एक सिस्टम है इतिहास, अगर आप झांकेंगे इतिहास में तो ये चलता रहता है। जब जब मनुवादी सरकारों ने बहुजन लोगों पर उनको दबाने की कुचलने की साजिश की है तो वो बहुजन लोग दुगनी ताकत के साथ फिर उभरे हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस एक जो कारवां है उसको रुकने नहीं दिया है। ऐसे ही जब 2 अप्रैल भारत बंद करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि SC ST एक्ट को हल्का करके उसको ख़त्म करने की जो मनुवादी सरकार की साजिश थी, तो बहुजन समाज के SC ST वर्ग के कम्युनिटी ने उस भारत को बंद किया, एक ऐलान किया। उसका कोई अगुवाई करता नहीं था, उसकी अगुवाई खुद उस बहुजन समाज ने की जो सड़कों पर उतरे हुए थे। लेकिन जब मनुवादी सरकार ने देखा, उसको लगा, तो उसने उस आंदोलन को खराब करने के लिए अपने कुछ नुमाइंदे उस जगह भेजे। आप TV की रिपोर्ट में दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोज आई थी जिसमें खुद पुलिस वाले गाड़ियों को आग लगा रहे थे, तोड़ रहे थे और उस सब का मतलब जिम्मेदारी उन आंदोलनकारियों पर डाल रहे थे। ऐसे ही राजा चौहान जैसे लोगों ने गोली मारकर लोगों की हत्याएं की, हमारे 13 लोग जो हैं ऐसे ही वो लोग सभी मारे गए। तो सरकार के एक इशारे पर ये सब हुआ और उस आंदोलन को धूमिल करने के लिए, उस आंदोलन को खराब करने के लिए ये सरकार के, मनुवादी सरकार के असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया। क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि इस देश की एक एक ईंट यहाँ के हमारे मजलूम साथियों ने, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बनाई है। उस ईंट को एक एक करके लगाकर एक एक इमारत बनाकर वो सब हमारे लोगों ने मजदूरी करके मिस्त्रीगिरी करके इमारत को बनाई है। जब हमने इस देश का निर्माण किया है ईंट से लेकर मंजिल तक, इस देश की धरोहर तक, तो क्या हम अपनी बनाई हुई चीज को इतनी जल्दी खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देश हमारा है, क्योंकि आप इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा इस देश के हम सब मूल निवासी हैं, तो इस देश का हम कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, हम किसी चीज को नहीं जलाएंगे, हम किसी चीज को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन ये सब उन्होंने की, लेकिन इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये सरकार ने एक साजिश चली और इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन बहुजन समाज ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों को बलिदान करके इस आंदोलन को आजाद भारत का एक ऐसा आंदोलन बनाया जो सबसे सक्सेस रहा और किसी की अगुवाई में नहीं रहा। जो नेता अपने आप को बनते थे वो सिर्फ देखते रह गए और ये एक सफल आंदोलन हुआ। लेकिन इस आंदोलन में जब एक 55 वर्ष का एक, मैं पंपलेट आपको दिखाता हूं, इसमें एक शहीद 55 वर्ष का है जिसमें आप देखेंगे हरविलास, 55 वर्ष का व्यक्ति सड़क पे उतरता है और उसकी हत्या हो जाती है। और जब एक 11 साल का बच्चा निखिल घर से स्कूल से, क्योंकि उस दिन बंद था तो स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और स्कूल की ड्रेस में था, तो भीड़ जब जा रही थी मोहल्ले की, सभी के वहां चल रहे हैं, तो वो लड़का भी जाने लगा। उसकी माँ ने भी मना किया कि तू मत जा, चोट लग जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन वो भी उस उत्साह को देखते हुए अपने घर से निकला और वह आंदोलन में गया। लेकिन जब वो आंदोलन में उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, RSS के या मनुवादी लोगों ने, वहां जब एक भगदड़ मची, पुलिस ने लाठी चार्ज की, तो वो बच्चा आग में जा गिरा और उस बच्चे की जलकर आग में शहादत हुई। तो ये शहादत एक 55 वर्ष का व्यक्ति, एक 11 साल का व्यक्ति, तो आप इसको एक इतना मजबूत आंदोलन, इतना मजबूत कह सकते हैं कि जिसका आने वाले भविष्य में लगता नहीं है कि फिर दोबारा ऐसा होगा। तो हम बहुजन समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि जिस तरह
द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इंडियंस लोगों को ले जाकर और अपनी तरफ से वहां लड़वाया, और जो लोग लौट कर नहीं आए तो उनकी याद में इंडिया गेट बनवाया और इंडिया गेट की एक एक ईंट पर उस भारतीय सैनिक का नाम लिखवाया जो यहाँ से अंग्रेजों की तरफ लड़ने गए थे। अंग्रेजों ने अपने दायित्व को निभाया कि भाई आप हमारे यहाँ से गए थे और हम यहाँ इंडिया गेट बनवाएंगे, उस पर सभी के नाम होंगे, और जब आप इंडिया गेट जाते हैं तो उस एक ईंट पर एक एक व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं तो हम गौरवित महसूस होते हैं। इसी तरह जब 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को परास्त किया तो वहां के महारों ने यह ऐलान किया कि हो सकता है कि इतिहास ना लिखा जाए और गलत इतिहास ये लोग लिखें, इसलिए कुछ निशानी हम अभी छोड़ देते हैं। और एक निशानी उन्होंने उन 500 महारों की याद में भीमा कोरेगांव में शौर्य स्तंभ बनाकर उनके नाम अंकित करके उसको अमर किया। ऐसे ही ना भूल जाएं, कहीं हम भूल ना जाएं, उस ना भूलने वाली चीज को हमने, हमारी टीम ने बड़े भाई बालक राम बौद्ध जी की अगुवाई में उन सभी की प्रतिमाएं उन्होंने बनवाई, उन्होंने प्रतिमाएं बनवाकर उन जगहों पर स्थापित करवाने का एक जो मुहिम चलाई कि आने वाले वक्त में जब उस गली से वहां के नौजवान या कहीं बाहर से आए लोग पूछेंगे कि किसकी प्रतिमा है, क्यों लगवाई गई, तो उसके नीचे जो इतिहास अंकित होगा कि 2 अप्रैल भारत वंदे का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में इस शहीद की शहादत हुई थी। तो इतिहास पता नहीं लिखा जब भी लिखा जाएगा या कुछ और लोग जब इसी इतिहास को इसको नागवार करेंगे तो ये चीजें ऐसी हैं कि फिर सामने आएंगी, जैसे भीमा कोरेगांव का स्तंभ 2200 साल बाद फिर एक उसमें आया और वहां आज बहुत बढ़ चढ़ कर लोग जाते हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि जब 50 साल बीत जाएंगे, 60 साल, 70, 100 साल, 200 साल हो जाएंगे तो 2 अप्रैल भारत बंद के मेले लगा करेंगे और इन प्रतिमाओं को माल्यार्पण करने सभी उस टाइम की पीढ़ी इनको नमन करने आया करेगी, तो उनको अमर करने के लिए ये मुहिम चलाइए। जो व्यक्ति, मेरा अपना निजी मानना है, जो व्यक्ति इस प्रोग्राम का विरोध करेगा, जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में अनुपस्थित रहेगा, वो इन सभी हमारे शहीदों का अपमान करेगा, समाज का गद्दार होगा, सबसे बड़ा गद्दार होगा जो इनकी शहादत को भुलाने का, मिटाने का, कमजोर करने का काम करेगा। तो मेरी बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील है कि इन बच्चों को 13 अप्रैल रामलीला मैदान दिल्ली में इन सभी शहीदों को माल्यार्पण करने जरूर पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, अगर आप नहीं गए तो आपके आने वाली पीढ़ी के माथे पर एक कलंक होगा कि जब उन शहीदों को माल्यार्पण और सम्मानित किया जा रहा था तो इनके बुजुर्ग, यानी कि जो वहां नहीं जाएंगे उनके बच्चों कहेंगे कि इनके बुजुर्गों ने उस चीज का अपमान किया था और नहीं गए थे, और वो आने वाले वक्त में गद्दार कहलाए जाएंगे। इस गद्दारी से बचने के लिए 13 जनवरी को रामलीला मैदान में इन बच्चों को पुष्पांजलि अर्पित करने जरूर पहुंचे, एक ऐसा मौका है कि जो आप अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएंगे। ये गीत मैं इन शहीदों के लिए जी। और आने वाली पीढ़ी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम वो डला नहीं घुल जाएं पानी में, हम वो डला नहीं घुल जाएं पानी में, कौम की खातिर मिट जाएंगे, कौम की खातिर मिट जाएंगे भरी जवानी में। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों, संविधान के पालन करता हक के लिए लड़ेंगे, यदि तुम अत्याचार करोगे सीना ठोक अड़ेंगे, स्वाभिमान की जंग छिड़ी है बहुजन जागे हैं, स्वाभिमान की जंग छिड़ी है बहुजन जागे हैं, भीम सिपाही अब हम अंतिम सांस लड़ेंगे। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। तो ये गीत उन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ जो 2 अप्रैल भारत बंद में शहीद हुए थे, उनकी शहीदों को फिर नमन करता हूँ, उनकी शहादत को नमन करता हूँ, और टीवी हमारा जो SM न्यूज है उसको देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका, और सभी को जय भीम। धन्यवाद सर।